आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन और मिर्च की तीखी चटनी। और ये चटनी को आप रोटी, पराठा, चावल या फिर मोमोज के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये चटनी को नूडल्स में डाल के, चाउमीन में डाल के आप इसको स्पाइसी बना सकते हैं। तो इसी तरह बहुत तरीके से आप ये चटनी को यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 25 से 30 सूखी मिर्चों को भिगो दिया था। भिगोने से पहले मैंने बीज निकाल दिए हैं मूसली के, जिससे कि बहुत तीखी ना हो जाए। अगर तीखी कम है तो कम के बीज निकालिए। तो मेरी तीखी वाली थी तो मैंने कुछ में ही बीज रखा है, बाकी को बीज निकाल दिए थे फिर भिगोया था। पानी इसका हम निकाल देते हैं। तो ये सारा पानी मैंने निकाल दिया है और इसको अलग रख देंगे। पानी हम फेंकेंगे नहीं, थोड़ा सा पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है बहुत तीखा हो जाएगा तो फिर आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये चटनी बहुत ही अच्छी लगेगी, स्पाइसी है और सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी लगती है। तेल गरम हो गया है, इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। ये धनिया के बीज हैं तो 1/2 चम्मच मैं इसमें अभी यूज़ कर रही हूँ, 1/2 बाद में यूज़ करूँगी। धनिया जीरा क्रैकर होने लगे हैं, इसमें हम डाल देंगे लहसुन की कलियाँ 1/2 कप। मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड वाली मिर्च जो हमने पानी निकाल के रखी थी। फ्लेम को हम लो मीडियम ही रखेंगे, हाई पे नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ही मिर्च और लहसुन जलने लगेंगे। अभी इस टाइम पे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ये इमली है मेरे पास, तो इमली का गूदा ले लिया है, बीज निकाल दिए हैं। ये बीज रह गया था, ये भी मैंने हटा दिया। और ये भी हम मिक्स करेंगे और 1.5 से 2 मिनट हम इसको सौते करेंगे, जिससे कि लहसुन और मिर्च का कच्चापन चला जाए। हमें लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, मिर्च को भी ज़्यादा नहीं पकाना है। तो बस 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से पका लिया है और फिर गैस की फ्लेम बंद कर दी है। इसको हम ठंडा कर लेंगे और हम डालेंगे इसको एक मिक्सर जार में। इसका हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। पहले हम बिना पानी डाले ही इसको पीसेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं पीसेगा। इस टाइम पे हम यहाँ पर डालेंगे ये जो पानी हमने ड्रेन आउट किया था वो 1/4 कप डाल रहे हैं, आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। और इसको फिर से हम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैंने ये पीस लिया है और अच्छा सा फाइन पेस्ट बन गया है। ये देखिए कितना स्मूथ है और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, बहुत थिक है। पानी डालने से ही ये ऐसा परफेक्ट पीस पाएगा। मैंने सेम पैन वापस ले लिया है, गरम कर लिया है। इसमें 1 चम्मच जितना सरसों का तेल फिर से डाल लिया है और इसको गरम होने देंगे। गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने। तो ये 1/2 चम्मच सरसों के दाने मैंने ले लिए हैं, आप जो बारीक वाली आती है राई वो भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच धनिया के बीज और हींग डाल दिया है 1/4 चम्मच। और इसको हम सौते करेंगे, हल्का सा क्रैकर होंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और मिर्च वाला पेस्ट। जार में बहुत सारा पेस्ट लगा रह जाता है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जार में वो भी हम निकाल लेंगे। तो लगभग 2 चम्मच जितना पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से घुमा के ये मैंने इसमें डाल दिया है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक। तो मैंने यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है और इसको हम 2 से 3 मिनट तक या फिर ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। फ्लेम को लो मीडियम रखते हुए हम इसको पकाएंगे और ऐसे ही लगातार चलाते हुए ये हमें पकाना है, नहीं तो ये चिपकने लग जाएगा और अच्छे से पकेगा नहीं। ये देखिए कितना थिक सा पेस्ट बन गया है। इस टाइम पे हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 चम्मच चीनी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इतना चीनी आप ज़रूर डालें, अदरवाइज ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालें अगर आपको नहीं पसंद आता है तो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि 1 चम्मच चीनी ज़रूर डालें, क्योंकि तीखा और हल्का सा जो इसका टेस्ट आएगा चीनी का बहुत ही अच्छा लगेगा। ये पक गया है, इसको मैं एक छोटे बॉल में निकाल लेती हूँ। और ये हमारी लहसुन और मिर्च की तीखी चटनी तैयार है। रोटी, पराठा, मोमोज किसी के साथ भी सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय बाय।